दोस्तों, हमारे पास अधिकतर पेशेंट आते हैं प्रीमैच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन से, जिन्हें इजैकुलेट करने में 1 मिनट से कम का समय लगता है। ये करीब करीब काफ़ी लोगों में पाई जाती है। हमारे पास जो आने वाले 90% से ज़्यादा मरीज़ हैं वो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन के शिकार होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप फिनिश ही नहीं कर पाते हैं, अपने इजैकुलेशन को कम्प्लीट नहीं कर पाते हैं, इसे आप कहते हैं डिलेड इजैकुलेशन। तो दोस्तों, आज हम डिलेड इजैकुलेशन के बारे में ही बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर सतीश जुंथरा, मैं सेक्सोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट हूँ। मैं विवान हॉस्पिटल फॉर सेक्सुअल हेल्थ जयपुर में काम करता हूँ और यहाँ पर सारी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स का इलाज होता है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से को आगे शेयर कीजिए ताकि लोगों को इस बारे में समस्या का पता लगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया है कि डिलेड इजैकुलेशन इस तरह की समस्या है जिसके अंदर आप जल्दी से फिनिश नहीं कर पाते हैं, आपको काफ़ी देर लग जाती है, यहाँ तक कि आपका पार्टनर और आप खुद थकने लग जाते हैं और आपके पार्टनर को अपने प्राइवेट पार्ट्स में जलन होने लग जाती है, वजाइना में ड्राइनेस होने लग जाती है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी तकलीफ होती है। सेक्स करना एक समस्या लगता है, एक सज़ा की तरह लगता है और आपका सारा एंजॉयमेंट ख़त्म हो जाता है। तो डिलेड डिस्चार्ज भी एक काफ़ी गंभीर तरह की समस्या है। अब हम बात करते हैं कि ये कितना कॉमन है। ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि डिलेड डिस्चार्ज कई प्रकार का होता है। एक तो होता है जो शुरू से ही आपको, जब से आप सेक्सुअली एक्टिव हुए हैं तब से आपको डिलेड डिस्चार्ज है, इसको कहते हैं लाइफ लॉन्ग डिलेड डिस्चार्ज। इसको ये 1% के करीब लोगों में पाया जाता है। इसी प्रकार ऐसा होता है जब आप शुरू में बिल्कुल नॉर्मल हों और बाद में आपको डिलेड डिस्चार्ज हो जाए, तो ये इस प्रकार की जो समस्या है करीब 4% लोगों में पाई जाती है। हम डिलेड डिस्चार्ज तब बोलेंगे यदि सेक्स करते हुए डिस्चार्ज करने में आपको 20 से 30 मिनट से ज़्यादा का समय लग जाए। ये इसकी डेफिनेशन है। और इसके अतिरिक्त यदि आपको कभी कभार डिलेड डिस्चार्ज होता है और ये रेगुलर समस्या नहीं है तो इसको समस्या की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। यदि 75-100% टाइम्स आपको डिलेड डिस्चार्ज होता है और पार्टनर्स को इस वजह से काफ़ी समस्या महसूस होती है, वो तकलीफ देह है, तभी हम इसको समस्या की श्रेणी में डालते हैं। अब हम बात करते हैं कि इजैकुलेशन कैसे होता है। इजैकुलेशन के लिए आपके पास दो ग्रंथियाँ होती हैं, सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट। सेमिनल वेसिकल जो है ये यूरिथ्रा यानी पेशाब की नली से इजैकुलेटरी डक्ट से जुड़ा होता है। सबसे पहले सेमिनल वेसिकल से जो लिक्विड है वो इजैकुलेटरी डक्ट में आता है यहाँ, और इसके बाद जब वो यूरिथ्रा में आ जाता है तो यहाँ पर जो सारा प्रोसेस है वो रिफ्लेक्स हो जाता है। यहाँ के बाद आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और आपको इजैकुलेट करना ही पड़ता है। तो उसके बाद जो है यूरिथ्रा से ये बाहर निकल जाता है, जो आपकी पेल्विक मसल्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन के साथ ये बाहर निकल जाता है। तो ये तो हो गया कैसे ये डिस्चार्ज होता है। अब हम बात करते हैं कि इसके कारण क्या क्या होते हैं। इसके कारण कई प्रकार के हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल कारण होते हैं, फिजिकल कारण होते हैं। साइकोलॉजिकल के अंदर जैसे मान लीजिए आपको सेक्स के बारे में किसी तरह की गिल्ट है, आपको लगता है कि आप गलत काम कर रहे हैं, आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है, तो आपको डिले डिस्चार्ज हो सकता है। इसके अतिरिक्त यदि पार्टनर से आपको कोई समस्या है, आप पूरी तरह से एक्साइटेड नहीं होते हैं और आपको ठीक से इरेक्शन नहीं होता है, तब भी आपको डिले डिस्चार्ज हो सकता है। इसके अतिरिक्त यदि आपको एंग्जाइटी और टेंशन रहती है, मान लीजिए आपको चिंता बहुत रहती है, तो आपको अर्ली डिस्चार्ज भी हो सकता है और डिले डिस्चार्ज भी हो सकता है। यदि आपको स्टिमुलेशन ठीक से नहीं मिलता है तब भी आपको डिले डिस्चार्ज हो सकता है। आपस की पार्टनर्स के साथ टेंशन है तब भी डिले डिस्चार्ज हो सकता है। इनके अतिरिक्त कुछ रिलीजियस कारण होते हैं जिसके अंदर इजैकुलेट करना ठीक नहीं माना जाता है, तब भी आपको डिले डिस्चार्ज हो सकता है। इसके अतिरिक्त फिजिकल कारण होते हैं, जैसे कि आपको शराब पीने से क्या होता है कि जो आपकी नर्व्स हैं वो इन्वॉल्व हो जाती हैं,
आपके ऑर्गन पे उतना स्टिमुलेशन नहीं मिलता है, आपको अराउजल नहीं होता है, जिससे कि आपको डिलेड डिस्चार्ज हो सकता है। एक्चुअली शराब पीने से आपको जल्दी डिस्चार्ज भी हो सकता है, लेट डिस्चार्ज भी हो सकता है। इसी प्रकार से दूसरी जो आपके नशे होते हैं उनको करने से भी आपको डिलेड डिस्चार्ज हो सकता है। कई दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो डिप्रेशन की दवाइयाँ हैं, जैसे SSRIs, SNRIs, ये अगर आप लेते हैं तो इनसे भी डिलेड डिस्चार्ज हो सकता है। आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि अगर बड़ी हुई है, आपने ये प्रोस्टेट ग्रंथि को ठीक करने के लिए कुछ दवाइयाँ ले रखी हैं, प्रोस्टेट की कोई सर्जरी हुई है, तो भी आपको डिलेड डिस्चार्ज हो सकता है। कई बार दोस्तों ऐसा भी होता है कि आपको डायबिटीज़ की तकलीफ है, डायबिटीज़ से आपके जो नर्व्स हैं वो अफेक्ट हो जाती हैं, और जिससे कि आपको वही स्टिमुलेशन नहीं मिलती है न्यूरोपैथी की वजह से, इसके कारण भी आपको डिलेड डिस्चार्ज हो सकता है। इन सब के अतिरिक्त जो सबसे कॉमन हमको मिलता है वो एजिंग का असर। एजिंग के अंदर क्या होता है, आपके नर्व्स जो हैं वो भी एज कर जाती हैं, जो नॉर्मल आप स्टिमुलेशन दे रहे हैं वो आपको उतना ब्रेन में महसूस नहीं होता है, तो इसकी वजह से आपको डिलेड डिस्चार्ज हो जाता है। इसी वजह से हम इन पॉपुलेशन के अंदर ये एडवाइस करते हैं कि अपने बेडरूम के अंदर आप वाइब्रेटर्स वगैरह रख सकते हैं, ताकि जो आपको स्टिमुलेशन है उसके अंदर बढ़ोतरी की जा सके। कुछ भी तरीका जिससे स्टिमुलेशन को बढ़ाया जा सके तो हम डिस्चार्ज के टाइम को कम कर सकते हैं। अब हम इसके अतिरिक्त जो होता है वो होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अगर आपके स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी है तब भी डिलेड डिस्चार्ज हो सकता है। तो अब हम डायग्नोज कैसे करते हैं? डायग्नोज करने के लिए सबसे जल्दी तो आपको हिस्ट्री अच्छी से लेनी पड़ती है। इसके अंदर हम ये जानते हैं कि आपके पार्टनर से कैसे संबंध हैं, आपकी कोई टेंशन तो नहीं है, आपको कोई एंग्जाइटी और टेंशन तो नहीं है या डिप्रेशन तो नहीं है, आप कोई दवाई तो नहीं ले रहे हैं, आपके प्रोस्टेट वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई सर्जरी आपने करवाई हो, इन सब चीज़ों की हम जानकारी गैदर करते हैं। इसी तरह की एक प्रॉब्लम होती है दोस्तों जिसको हम एंटरोग्रेड इजैकुलेशन कहते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि जब इजैकुलेटरी डक्ट से सीमन बाहर निकलता है तो उस समय असल में जो यूरिनरी ब्लैडर, जो ब्लैडर का जो मुंह है वो बंद हो जाता है, इसलिए जो सीमन है वो बाहर की तरफ जाता है, पीछे की तरफ नहीं जाता। लेकिन कुछ कंडीशंस खास करके डायबिटीज या ब्लैडर की सर्जरी हुई हो तो वो बंद नहीं होता है, इसलिए सीमन बाहर जाने के बजाय आपका ब्लैडर में चला जाता है। ऐसी कंडीशन में आप जब सेक्स करते हैं तो इसको बोलते हैं ड्राई इजैकुलेशन, यानी आपको ऑर्गाज्म तो फील होगा लेकिन बाहर कुछ नहीं आएगा, आपका जो सीमन है वो आपके यूरिनरी ब्लैडर में चला जाएगा। तो ऐसे केसेस को डायग्नोज करने के लिए हम पहले पेशेंट को कहते हैं कि आप मास्टरबेट करिए जब आपको ऑर्गाज्म हो जाए, उसके बाद के यूरिन को चेक करते हैं जिसमें यदि स्पर्मेटोजोआ मिलते हैं तो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। इसी प्रकार से बाकी चीज़ें, यदि मान लो आपको ड्रग्स मिलती हैं तो कोई नशा करता है, ये सब चीज़ें हम जानकारी लेते हैं जिससे हम इसका डायग्नोस कर सकते हैं। अब इसका इलाज कैसे करते हैं? तो इलाज दोस्तों कारण पर निर्भर करेगा। यदि मान लीजिए आपको अराउजल ठीक से नहीं होती है तो उसके लिए सेक्स थेरेपी भी होती है, जिसके अंदर हम आपको कहते हैं कि माइंडफुलनेस, मतलब जो आपको उस समय है उसके अंदर आपको कॉन्सेंट्रेट करिए, जो आपको स्टिमुलेशन मिल रहा है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए, ताकि आपका अराउजल ज़्यादा हो और आप जो आपका टिपिंग पॉइंट है जहाँ पे आपको डिस्चार्ज होता है वहाँ पर आप समय पर पहुँच सकें। तो ये एक टेक्निक होती है। आपको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, यदि आपके पार्टनर के साथ ठीक से बनती नहीं है, मैरिटल डिस्कॉर्ड है, आपस में टेंशन है, तो उसके अंदर आपको फ़ायदा हो सकता है। साइकोथेरेपी भी की जा सकती है, जिसके अंदर आपको अगर मन में किसी किस्म के टेंशन हो या मान लीजिए कुछ और समस्याएं हो तो साइकोथेरेपी से उनका हम हल ढूंढ सकते हैं। इसी प्रकार से यदि एनुजेकुलेशन का जैसे मैंने नाम लिया है, और किसी को यदि फर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो हम वाइब्रेटर्स का यूज़ करते हैं। वाइब्रेटर्स हमारे पास हैं जो काफ़ी बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, छोटे भी आते हैं, जिसकी वजह से जिसको हम यूज़ करके पेशेंट का सैंपल, सीमन सैंपल ले सकते हैं, और इसको हम IUI में, IVF में यूज़ कर सकते हैं। यदि किसी का लाइफ लॉन्ग एनिजैकुलेशन है लेकिन उसका एनाटॉमी बिल्कुल सही है, तो एक इलेक्ट्रिक इजैकुलेशन तरीका भी होता है, जिसके अंदर एक प्रोब को आपके एनस में डाल दिया जाता है, ऑफकोर्स ये OT में करते हैं,
इससे स्टिमुलेशन देते हैं और हमें प्रोस्टेट का हमें सैंपल मिल जाता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ दवाइयाँ भी होती हैं जो हमें हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी दवाइयाँ हैं, हम यहाँ पे इसको नाम लेने से फ़ायदा नहीं है क्योंकि दवाइयाँ बहुत सारी हैं जिसमें साइप्रोहेप्टाडीन होती है, एमेंटाडीन होती है, बहुत सारी दवाइयाँ जिससे हमारा डोपामिन लेवल बढ़ जाता है और आपको इजैकुलेट करने में मदद मिलती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल विवान हॉस्पिटल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।